उधारी के 200 रुपए नहीं दिए तो कर्जदार ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर कर दी युवक की हत्या। थाना उत्तर क्षेत्र के गांव नगला पांसाए रहने वाले भूपेंद्र सिंह ने अपने पहचान के युवक कमलेश 200 रुपए उधार लिए थे, जिससे कमलेश कई बार भूपेंद्र से मांग चुका था लेकिन वो उसके 200 नहीं दे रहा था और उसने कमलेश के साथ गाली गलौज कर दी और उसके परिवार वालों को भी गाली दी और कह दिया कि तुझ पर रुपए लिए जाए तो ले ले। कमलेश ने इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने 6 दोस्तों के साथ मिलकर भूपेंद्र की हत्या की योजना बनाई और दावत खाने के बहाने भूपेंद्र को उसके घर से बुला लिया और उसे शराब पिलाकर थाना रामगढ़ क्षेत्र में सुनसान पड़े इलाके में आंगोचे से भूपेंद्र का गला घोटकर उसकी हत्या करके उसके साथ 9 नवंबर 2023 को झाड़िया के पीछे फेंक दिया। जब एसएसपी ने हत्या के खुलासे के लिए इसमें 3 टीम गठित की और हत्यारों को गिरफ्तारी के लिए टीम ने काम करना शुरू किया तो भूपेंद्र के दोस्तों से पूछताछ की गई और पुलिस ने 3 हत्यारोपी दीवान सिंह, विजय और मनोज को गिरफ्तार कर लिया, जिन्होंने पूरी घटना को बताया कि किस तरह उन्होंने भूपेंद्र की हत्या की। वही इसमें मुख्य आरोपी कमलेश और उसके 2 दोस्त अवधेश, रघुराज अभी भी फरार हैं, पुलिस उनकी तलाश कर रही है। देखिए उत्तर प्रदेश फिरोजाबाद से जिला संवाददाता दीपक शर्मा की यह रिपोर्ट। देखिए दिनांक 10 तारीख को थाना रामगढ़ पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई थी, गौरी शंकर डिग्री कॉलेज के पीछे झाड़ियों में एक युवक का शव पड़ा हुआ। इस सूचना पर तत्काल रामगढ़ पुलिस मौके पहुंची, फोरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंची, वरिष्ठ अधिकारीगण द्वारा घटना का मौका मुआयना भी किया गया। इसमें घटना के अनावरण के लिए 3 टीमों का गठन किया गया। तीनों टीमों ने सीसीटीवी फुटेज पर, सर्विलांस पर तथा पता रसी सुराग रसी के माध्यम से घटना का अतिशीघ्र खुलासा कर दिया है। इसमें 3 अभियुक्त विजय, दीवान और विंडो को गिरफ्तार कर लिया गया है। 3 अभियुक्त अभी इसमें फरार चल रहे हैं, उनकी गिरफ्तारी हेतु तो हमारा प्रयास चल रहा है। घटना का कारण ये बताया गया कि इसमें जो मृतक भूपेंद्र कन्हैया था उसको कमलेश ने 200 रुपये दिए थे। जब कमलेश ने भूपेंद्र से 200 रुपये मांगा, इस बात को लेकर उनमें कहा सुनी और गाली गलौज हो गई। इसके बाद उन लोगों ने प्लान किया और रात में इसको ले गए और इसके साथ उनमें शराब वगैरह पिया, फिर इस घटना को अंजाम दिया। टीम ने बहुत अल्प समय में घटना का खुलासा किया, इसके लिए इन्हें पुरस्कृत किया जाएगा, साथ ही साथ इसमें अग्रिम वैधानिक कार्रवाई कराई जा रही है। सर पीएम रिपोर्ट में भी आया, स्ट्रैंगुलेशन आया है और उसमें जो इनके पास एक गमछा था उसी गमछे से गला कस करके इसको मारा गया है।